वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही, एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं, जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी, वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन 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 योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं,